हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्ब्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मुझे यकीन है सारा समाज बदलेगा, तरीका बदलेगा, रस्म और रिवाज बदलेगा। इसी तरह का अगर हो खिताब जलसों में तो नौजवानों का एक दिन मिजाज बदलेगा, तो नौजवानों का एक दिन मिजाज बदलेगा। मोहतरम हजरात, जो लोग जा रहे हैं जरूरत के तहत, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है सरकारे इमाम हुसैन से अकीदत मोहब्बत होगी तो जरूर फिर आ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त मैं ये ऐलान करने जा रहा हूँ, आप ऐलान बार बार समाप्त कर रहे हैं कि अब मेंबरे रसूल पे उस अजीम खतीब की आमद हो रही है जो यकीनन खिताबत की दुनिया का एक ताज वाले बादशाह है, जिन्हें खतीबे आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा इब्राहिम साबरी चतुर्वेदी के नाम से। बैठिए, आप रात तो बैठे अदब के साथ, कमेटी वाले आप लोग हैं ना जी, बैठे। और जो लोग जा रहे हैं कोशिश करें कि वो लोग भी बैठे, उन्हें बुला करके ले आए। हजरत अल्लामा फरकान मिसबाही साहब किबला मुंबई बहुत खूबसूरत खिताब समाप्त कर रहे थे, बहुत खूबसूरत खिताब समाप्त फरमा रहे थे। मैं एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि अगर कछौछा का लोबान घर में जल जाए, अगर कछौछा का लोबान घर में जल जाए तो भीनी आज भी खुशबू जरूर निकलेगी, अगर नमाजी हो बाबा फरीद के जैसा तो फिर मुसल्ले से चीनी जरूर निकलेगी, तो फिर मुसल्ले से चीनी जरूर निकलेगी, अगर नमाजी हो बाबा फरीद के जैसा तो फिर मुसल्ले से चीनी जरूर निकलेगी। मालूम है दोस्तों, मैं आज गुरसहायगंज वो अदबी सरजमीन है, यहाँ एक नहीं कई इदारे चलते हैं जहां से मसलके आला हजरत का परचम बुलंद हो रहा है, और यकीनन इस खूबसूरत इलाके के आप रहने वाले हैं, लेकिन हालात इस वक्त ये है कि जिस तरीके से आप बैठे हुए हैं मुझे देखकर सुकून नहीं मिल रहा है, तसल्ली नहीं हो रही है कि एक सच्चे आशिक रसूल के बैठने का ये तरीका है, एक सच्चे इमाम हुसैन के चाहने वाले के बैठने का ये तरीका है। मेरे दोस्तों, मिल्लत के नौजवानों, मेंबर रसूल पे आप देखें शायर अहले सुन्नत मोहतरम कलीम दानिश कानपुरी, और साथ ही साथ वो बड़े थ्योरी के मालिक शायर जिन्हें अंबर मुशाहिदी के नाम से जानते हैं, रखे हुए हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करना जानते हैं तो बड़े अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि आप इधर, कुर्सियां खाली है आ जाए। गोश्त ही अच्छा लगा ना मछली ही अच्छी लगी, गोश्त ही अच्छा लगा ना मछली ही अच्छी लगी, जिसमें था अखलाक वो सब्जी बड़ी अच्छी लगी, जो है दुनियादार वो दुनिया की कुर्सी पर मरे, मुझको अख्तर आयतल कुर्सी बड़ी अच्छी, जो है दुनियादार अख्तर, जो है दुनियादार वो दुनिया की कुर्सी पर मरे, जो है दुनियादार वो दुनिया की कुर्सी पर मरे, मुझको अख्तर आयतल कुर्सी बड़ी अच्छी लगी। तो आप आयतल कुर्सी वाले हैं, इमाम हुसैन वाले हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं, इमाम हुसैन के नाम पे अपने हाथों को बुलंद कीजिए और पुकारिए या हुसैन। माशाल्लाह, आवाज कितनी बुलंद है, बस थोड़ी सी मेरी ख्वाहिश है, अगर आप पूरी कर दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आ जाए भाईजान, आगे आ जाइए, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, गुजारिश है आपको, आपकी माँ की मोहब्बत का वास्ता मैं देता हूँ, ये आपका जलसा है, ये आपकी कॉन्फ्रेंस है, यकीनन आपने खून पसीने की कमाई से इसे सजाने की रचाने की कोशिश की है, थोड़ी सी आप अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाज दीजिए, आप इंशाल्लाह इब्राहिम साबरी चतुर्वेदी से खूबसूरत खिताब समाप्त करेंगे। मैं चाहता हूं इस वक्त आप समातों के दहलीज पर कानपुर शहर से ताल्लुक रखने वाले सनाखाने मुस्तफा मोहतरम कलीम दानिश तशरीफ रखे हुए, इनका इस्तेमाल किया जाए, वक्त नहीं है, तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह, इनकी शायरी सुनेंगे, जो जगह खाली है पूर्व होती हुई नजर आएगी। नारे इंग्लिश हिंदी
इन तमाम तर जबानों के हवाले से आज मुल्की सतह पर जिन्होंने मसल के आला हजरत को आम करने की कोशिश की है वो अजीम शख्सियत हजरत अल्लामा इब्राहिम साबरी चतुर्वेदी जिन्हें आप अपने माथे की निगाहों से देखे। मैं देख रहा हूं कि हम लोगों के साथ साथ नौशाद भाई लिमरा एजेंसी बहुत खूबसूरत काम आप अंजाम दे रहे हैं। मैं मुबारकबादी पेश करता हूं कि आप नेट के जरिए मसलक के आला हजरत को आम कर रहे हैं। वो जालिम आग और पानी में अक्सर खेल करता है, मैं जिसको पास करता हूं वो उसको फेल करता है। ये मिट्टी का दिया तन्हा तो रोशन हो नहीं सकता, उजाले बांटने का काम मटिया तेल करता है। तो यकीनन आप बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। मोहतरम कलीम दानिश कानपुरी आ रहे हैं, इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। अब और आवाज बुलंद करेंगे, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। यही कहता है हिंदुस्तानी क्यों नहीं आता, मेरे ख्वाजा पिया का बनके सानी क्यों नहीं आता। अना सागर चलाया मेरे ख्वाजा के कहने पर, हुसैन पाक कह देते तो पानी क्यों नहीं आता। हुसैन पाक कह देते तो पानी क्यों नहीं आता। मोहतरम शायर अहले सुन्नत कलीम दानिश मुहर्रम की दुआ है, लपक रही दो लपक रही दो मुहर्रम चतुर्वेदी साहब हमारे इस मंबर पर तशरीफ रखते हैं। बहुत से चतुर्वेदी आपने देखे होंगे लेकिन वो चारों वेदों के बारे में जानते नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसा चतुर्वेदी है जो सारे वेदों के बारे में जानता है। मौलाना फरमाए, अभी आप उनका खिताब समाप्त फरमाएंगे, शेर पेश कर रहा हूं। मेरी दुनिया में दो ही फिरते हैं, मेरी निगाह में दुनिया में दो ही फिरते हैं, हुसैन का जो नहीं है यजीद वाला है। करीम भाई दोबारा तस्दीक है, जिंदा लपक रही तो मोहर्रम नजीद वाला है, लपक हुसैन का जो हुसैन का
ख्वाजा का है न बाबा फरीद वाला है, न ख्वाजा का है। चंद शेर एक मुकम्मल कलाम के आप तक पहुंचाता हूं, जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है सभी की दुआएं चाहता हूं। समाप्त करें मतलब पेश हर शख्स पढ़ रहा है कसीदा हुसैन का, हर शख्स पढ़ रहा है कसीदा हुसैन فرمائے حاضر کرتا ہوں اور باب ممبر کی دعا چاہتا ہوں۔ جبریل جانتے ہیں مراتب حسین کے، جبریل جانتے ہیں مراتب حسین کے، جبریل نے جھلا جھولا حسین کا، جبریل نے جھلایا ہے جھولا حسین کا، واہ جبریل نے جھلایا ہے جھولا حسین کا، جبریل نے جھلایا ہے جھولا حسین کا۔ حضرت علامہ قاری احسان صاحب قبلہ موجود ہیں، ان کی دعائیں چاہتا ہوں اور شیر آپ تک پہنچاتا ہوں۔ دوستو دیکھیے دنیا کا دستور یہ ہے کہ جس کی کھاؤ اس کی گاؤ، اپنا معاملہ تو وہی ہے، اب آپ کا معاملہ کیا ہے یہ اس شیر کے حوالے سے پتا چل جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیں، نصیب میں صدقہ حسین کا لکھا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان شہداء کربلا، ذکر شہداء کربلا، لکھا ہے جب نصیب میں صدقہ حسین کا، لکھا ہے جب نصیب میں صدقہ حسین کا۔ اور شعر آپ تک پہنچاتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تمام علماء کی دعائیں چاہتا ہوں اور یہ شعر آپ تک پہنچاتا ہوں۔ جس پر سرکاری امام حسین کا احسان ہو وہی شخص بولے گا، ہر شخص کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، جو امام حسین کا وفادار ہے وہ خاموش ہے۔ زندہ باد۔ ہر شخص پڑھ رہا ہے قصیدہ حسین کا، کردار ہی تھا ایسا نرالا حسین کا، قرآن و اہل بیت کو مت چھوڑنا کبھی، قرآن و اہل بیت کو مت چھوڑنا کبھی، یہ بات کہنے والا ہے نانا حسین کا، کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو جائے، زندہ باد، زندہ باد۔
जिंदाबाद। वाह वाह, ये बात कहने वाला है लाला हुसैन का, ये बात कहने वाला है लाला हुसैन का। मुमकिन नहीं के सूख के गिर जाए वो शजरे, मुमकिन नहीं के सूख के गिर जाए वो शजरे। शामिल है जिसमें खून पसीना हुसैन का, शामिल है जिसमें खून पसीना हुसैन का। ओ ये शेर भी हाजिर करता हूं, समाज फरमाए जिसका अकीदा मुझसे मिलता है वो इस शेर पे दाद दे, बकिया की गारंटी है। ये चिल्ला चिल्ली काम ना आएंगे हश्र में, ये चिल्ला चिल्ली काम ना आएंगे हश्र में, आएगा काम सिर्फ वसीला हुसैन का, जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे आप ही जैसे लोगों की जरूरत है इस वक्त कौम को, और दुआ करिए कि हमारी कौम का हर फर्द आपकी तरह हो। हर शख्स पढ़ रहा है कसीदा हुसैन का, किरदार ही था ऐसा निराला हुसैन का। और रात एक शेर पढ़ता हूं, किसी का नाम नहीं लूंगा, आप वहां तक जरूर पहुंचेंगे जहां से ये शेर कहा गया है। काले लिबास से न छुपेगा सियाह दिल, काबास से न छुपेगा सियाह दिल, मातम से खून आप ना होगा हुसैन का, मातम से खून होगा हुसैन का, भाई जो पीछे बैठे हैं वो शेर समझने की कोशिश कर रहे हैं। 30 बरस हो गए मेंबर पे, अपना शेर हमको खुद आज तक समझ में नहीं आया, तो आपको 5 मिनट में कहां से समझ में आ जाएगा। समझने की कोशिश बिल्कुल ना करिए, सिर्फ ये समझ लीजिए कि जो कुछ पढ़ रहा हूँ नबी और आले नबी के लिए पढ़ रहा हूँ, बस ये सोच के दाद दीजिए, वरना आपका भी नुकसान और मेरा भी नुकसान है। मौलाना फरमाए शेर हाजिर करते हैं, हर शख्स पढ़ रहा है कसीदा हुसैन का, किरदार ही था ऐसा निराला हुसैन का, खुलने पर ही में जाने का नुस्खा बताऊं मैं, खुलने पर ही में जाने का नुस्खा, बस शरीफ का आप सबकी मोतबर समातों को शुक्र हाजिर करता हूं। बाबा अली है भाई हसन माँ है फातिमा, बाबा अली है भाई हसन माँ है फातिमा, बाबा
दुआओं के साथ समाप्त करें। खालिक का अपने शुक्र अदा कर तू है कहीं, खालिक का अपने शुक्र अदा कर तू है कहीं, खालिक का अपने शुक्र अदा कर तू है कहीं, खालिक का अपने शुक्र अदा कर तू है कहीं, जिसने तुझे गुलाम बनाया हुसैन का, जिसने तुझे गुलाम बनाया हुसैन का, हर शब्द पढ़ रहा है कसीदा हुसैन का, किरदार ही था ऐसा निराला हुसैन का। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे रابطہ कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ, मोबाइल नंबर 9935055789।